हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 23 प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। प्रेजुडिस मीन्स पक्षपात, भेदभाव और असमानता। द बिग आइडिया प्रेजुडिस कॉज एंड इफेक्ट्स, पक्षपात के कारण और प्रभाव, स्टीरियोटाइप रूढ़िवादी धारणा, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी भेदभाव और असमानता, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी समानता के लिए प्रयास। एट ए ग्लांस एक झलक, सोसाइटल इश्यूज सामाजिक मुद्दे। प्रेजुडिस द बाइस्ड और अनफेवरेबल ओपिनियन फॉर्म्ड विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स। बाइस्ड होते हैं पक्षपात या तटस्थ, अनफेवरेबल अनुचित ओपिनियन राय फॉर्म्ड विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स। इट मीन्स बिना परीक्षा के एक अनुचित या फिर पक्षपातपूर्ण राय बना लेना इज कॉल्ड प्रेजुडिस। हाउ इट कैन बी कर्ब्ड, इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। फार्मिंग न्यू लॉज, नए लॉज या फिर नए कानून बनाकर, स्प्रेडिंग एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ाकर, यूजिंग मीडिया इफेक्टिवली डीकंडीशनली या फिर जो मीडिया है उसको प्रभावपूर्ण या फिर अनुकूल बनाकर। स्टीरियोटाइप रूढ़िवादी धारणा, अ फिक्स्ड इमेज दैट वी क्रिएट फॉर अ ग्रुप, एक हमारी फिक्स धारणा हो जाती है जो हम किसी ग्रुप के लिए क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं और ट्राई टू फिट ऑल पर्संस ऑफ दैट ग्रुप इनटू दैट इमेज, और उसी धारणा में उस ग्रुप के सभी लोगों को फिट करने का प्रयास करते हैं या फिर वो धारणा उन सभी पर्संस पर लागू करने का प्रयास करते हैं। विच इज वेरी ऑफन नॉट ट्रू, जो आमतौर पर ट्रू नहीं होती, सच नहीं होती। हाउ इट कैन बी कर्ब्ड, इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट वन अनदर, एक दूसरे को समझकर या फिर एक दूसरे को सम्मान देकर, एज वेल एज साथ ही बी सेंसिटिव टूवर्ड्स ईच अदर या फिर एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होकर। डिस्क्रिमिनेशन डिफ्रेंटिएटिंग बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन एंड जेंडर विदाउट एनी रिगार्ड फॉर इंडिविजुअल मेरिट। डिफ्रेंटिएटिंग मीन्स विभिन्नता बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के आधार पर, क्रीड मीन्स धर्म मत या जो हमारे धर्म से रिलेटेड विचार होते हैं उनके आधार पर, रेस नस्ल रिलीजन धर्म एंड जेंडर और लिंग के आधार पर, विदाउट एनी रिगार्ड फॉर इंडिविजुअल मेरिट, बिना उनकी जो व्यक्तिगत योग्यता है उनको देखे बिना, लोगों के बीच में इन सभी बेस पर अंतर करना इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी अ कंडीशन ऑफ बींग अनइक्वल, ये असमानता की वो कंडीशन है, वो स्थिति है, विच अराइज फ्रॉम अनइक्वल स्टेटस, जो असमान स्थिति से उत्पन्न होती है, और अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज या फिर जो हमारे अवसर या संसाधनों की पहुंच की जो असमान पहुंच होती है उससे अनइक्वलिटी असमानता उत्पन्न होती है। हाउ इट कैन बी कर्ब्ड, इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। फार्मिंग पॉलिसीज टू प्रोमोट इक्वालिटी, समानता के लिए जो पॉलिसीज मीन्स नीतियाँ बनाई गई हैं उनको प्रोमोट करके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हमारा संविधान है उसके प्रावधानों के द्वारा, बींग अवेयर एंड इन्फॉर्म्ड, जागरूक होकर या लोगों को सूचनाएं देकर। प्रेजुडिस द बाइस्ड और अनफेवरेबल ओपिनियन फॉर्म्ड अबाउट समथिंग और समवन विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड प्रेजुडाइस। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अनुचित राय बना लेना बिना उसके परीक्षा के इज कॉल्ड प्रेजुडाइस, उसे हम पक्षपात कहते हैं। देर आर टाइम्स वेन अवर लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स रेसिस एंड लैंग्वेज बिकेम्स ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर प्रेजुडाइस। देर आर ए टाइम, एक समय था, वेन अवर लैंड, जब हमारी जो ये भूमि है वो विभिन्न संस्कृति, जाति या फिर लैंग्वेज का एक प्रजनन भूमि बन गई थी फॉर प्रेजुडिस, एस पक्षपात के लिए। दिस क्रिएट्स डिसहार्मनी इन सोसाइटी,
और इस प्रेजुडिस यानी कि पक्षपात से हमारे समाज में असमंजस्य उत्पन्न हुआ एंड हैम्पर्स द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ अवर कंट्री। हैम्पर्स उत गिरावट आना और जो इससे हमारी गिरावट या बाधा होना हमारी जो कंट्री की ग्रोथ है और प्रोग्रेस है, हमारे विकास और प्रगति में दोनों में बाधा आई। एज सिटीजन ऑफ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता की जो भूमि है उसके नागरिक के रूप में वन शुड बी अवेयर ऑफ द कॉजेज ऑफ प्रेजुडिस। हमें जो प्रेजुडिस के जो कारण हैं उनके प्रति जागरूक होना चाहिए। कॉज दैट गिव राइज टू प्रेजुडिस, यहाँ पर कारण दिए गए हैं जो प्रेजुडिस को राइज करते हैं, उत्पन्न करते हैं। प्रेजुडिस कैन बी ड्यू टू वेरियस कॉजेज, प्रेजुडिस विभिन्न कारणों के, प्रेजुडिस के विभिन्न कारण हैं। द बेसिक कॉज ऑफ प्रेजुडिस आर इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ सेंसिटिविटी। जो बेसिक कॉज है यानी कि आधारभूत जो कारण है प्रेजुडिस का, आर इग्नोरेंस, वो क्या हमारी अज्ञानता एंड लैक ऑफ सेंसिटिविटी या फिर हमारे संवेदनशीलता की कमी। प्रेजुडिस कैन आल्सो बी द रिजल्ट ऑफ सोशल बायस, ये हमारे जो सामाजिक पक्षपात होता है, भेदभाव होता है, उसका भी एक, उसके कारण भी प्रेजुडाइस यानी कि पक्षपात होता है। इट इज़ नॉट समथिंग यूनिवर्सल, और ये वैश्विक नहीं है, समथिंग ह्यूमन्स हैव इनहेरिटेड, और ना ही ये किसी मनुष्य को विरासत में मिला है और आर बोर्न विद या और ना ही उसके साथ पैदा होता है। समटाइम्स इवन फैमिली मेम्बर्स कैन क्रिएट प्रेजुडिस, कभी कभी जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी पक्षपात को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डॉटर एंड सन्स, जब वे किसी लड़के या फिर सॉरी बेटा या बेटी में भेदभाव करते हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी कैन गिव राइज टू प्रेजुडिस, जो हमारी धार्मिक विभिन्नता है वो भी पक्षपात को राइज करती है, बढ़ाती है। समटाइम्स डिफरेंसेस विद इन द सेम रिलीजन कैन गिव राइज टू प्रेजुडिस, कभी कभी जो हमारे सेम धर्म में भी अंतर होते हैं और कैन गिव राइज टू प्रेजुडिस, और उससे भी पक्षपात होता है। डिफरेंसेस बिटवीन द मेजोरिटी एंड मिनोरिटी कम्युनिटीज में रिजल्ट इन प्रेजुडिस, जो हमारी बहुसंख्यक या फिर अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं उनके बीच का जो अंतर है वो भी पक्षपात का कारण होता है। सोशल डिस्टेंस या फिर सामाजिक दूरी, डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज, समाज के विभिन्न ग्रुप या समूहों के बीच की दूरी। बैंस ऑन एंट्री टू रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक स्थानों के स्थानों पर एंट्री को बैन कर देना, बंद कर देना। एंड अदर टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आल्सो लीड टू प्रेजुडाइस, या फिर इस टाइप के दूसरे जो भेदभाव हैं वो भी पक्षपात को लीड करते बढ़ाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ प्रेजुडाइस, पक्षपात के प्रभाव। प्रेजुडाइस कैन बी वेरी हार्मफुल, प्रेजुडाइस बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। प्रेजुडाइस लीड्स टू कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज, पक्षपात से जो कम्युनिटीज यानी कि जो हमारे समुदाय होते हैं उनके बीच में झगड़े का कारण बनता है। विच कंस्टिट्यूट्स अ मेजर थ्रेट टू पीस, और अ मेजर थ्रेट टू पीस बोथ विद इन अ नेशन एंड अमंग नेशंस, और इससे जो राष्ट्र है या फिर राष्ट्रों के बीच शांति के लिए भी ये एक खतरा बन जाता है। प्रेजुडिस कैन स्ट्रेंथन मिसट्रस्ट, सस्पिशन एंड बिटरनेस ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। प्रेजुडिस से उस मजबूत हो जाता है किससे, अविश्वास से, संदेह से या फिर कड़वाहट से। ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो पहले से ही हमारे समाज में मौजूद है। प्रेजुडिस कैन लीड टू रेशियल एरोगेंस, और ये लीड करते किसको, नस्लीय अहंकार को। दिस वाइडन द गैप, और इससे जो गैप है, जो दूरी है, वो और चौड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है। अमंग डिफरेंट ग्रुप विभिन्न समुदायों के बीच एंड रेसेस और नस्लों के बीच इन द वर्ल्ड, संसार में। प्रेजुडिस लीड्स टू डिसयूनिटी एंड डिसहार्मनी इन सोसाइटी थ्रू स्ट्राइप एंड वॉर,
और इससे जो हमारा डिसयूनिटी मीन्स होता है एकता का अभाव, डिसहार्मनी असमंजस्य, और स्ट्राइफ होते द्रार वॉर युद्ध, इट मीन्स दरार और युद्ध के द्वारा जो हमारी सोसाइटी की एक सोसाइटी में एकता का अभाव और असमंजस्य उत्पन्न हो जाता है एज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, या फिर जो हमारी एकता है या फिर एकीकरण है उसके स्टम्बलिंग ब्लॉक के रूप में प्रेजुडिस कैन रिटार्ड द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन, रिटायर्ड होते डिले हो जाना, इससे किसी राष्ट्र की प्रगति में भी बाधा आती है। स्टेप्स नेसेसरी टू रिड्यूस प्रेजुडिस, प्रेजुडिस को रोकने के कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। द फ्लोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस प्रेजुडिस, प्रेजुडिस को रोकने के लिए नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। फ्रेम न्यू लॉज, नए कानून बनाकर, दैट आर स्ट्रिक्टर जो कठोर हो, एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग लॉज अंगेंस्ट द एट्रोसिटीज, यानि कि जो हमारे हम पर अत्याचार करते हैं उनके प्रति इन लॉज को, इन कानून को कठोर या फिर प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करके, कमिटेड ऑन द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या फिर हमारे समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उनके प्रति प्रतिबद्ध होकर, स्प्रेड एजुकेशन अमंग मासेस, या फिर हमारी एजुकेशन को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देकर, दिस इंक्लूड अडल्ट एजुकेशन, इसमें हमारी प्रौढ़ शिक्षा भी शामिल है। एजुकेशन क्रिएट्स ओपन माइंडेडनेस एंड प्रोमोट अ हेल्दी एनवायरनमेंट, एजुकेशन वो क्रिएट करती है हमारे ओपन माइंडेडनेस को, यानि कि विचारों में खुलापन लाती है और एक स्वस्थ एनवायरनमेंट को बढ़ावा देती है। यूज़ द मीडिया टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ गुडविल एंड म्यूचुअल एप्रिसिएशन एंड प्रोमोट टॉलरेंस एंड हार्मनी इन सोसाइटी, और हम मीडिया का भी यूज कर सकते हैं आप गुडविल या फिर म्यूचुअल जो एप्रिसिएशन है, एक अच्छे गुडविल मीन्स जो लाभकारी या फिर हमारा जो आपसी महत्व के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं मीडिया के थ्रू, एंड प्रोमोट टॉलरेंस और जो हमारी सहनशीलता है उसको प्रोमोट कर सकते हैं, एंड हार्मनी इन सोसाइटी और सोसाइटी में सामंजस्य को स्थापित कर सकते हैं। टेक स्पेशल स्टेप्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस इन ऑर्डर टू रिमूव मिस ट्रस्ट, या फिर जो हमारी सोसाइटी की सोसाइटी में जो पिछड़ा वर्ग है उनके अविश्वास को दूर करने के लिए उनको समाज में ऊंचा दर्जा देकर, एंड रीबिल्ड द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, और उन्हें सुरक्षा जो उनकी सुरक्षा की जो भावना है उसको रीबिल्ड करके, उसको दोबारा उत्पन्न करके, कंडीशनिंग इज वन ऑफ द रीजन, और कंडीशनिंग यानि कि अनुकूलन भी इसका एक कारण, दैट प्रेपेट परपेचुएट्स प्रेजुडाइस, पक्षपात के प्रेजुडाइस होता है स्थिर होना, पक्षपात के स्थिर होने का एक मुख्य कारण कंडीशनिंग भी है। डी कंडीशनिंग शुड बी अंडरटेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारा सूचना मंत्रालय उसके द्वारा ये अपने अंडर में ली जाती है अनुकूलन, एंड ब्रॉडकास्टिंग बाय इम्प्लॉइंग पॉपुलर पब्लिक फिगर्स सच एज फिल्म स्टार टू एनकरेज एंड ओपन माइंडेड अप्रोच चैलेंज एज ओल्ड बिलीफ्स एंड ब्रिंग अबाउट एटीट्यूडनल चेंज, एंड ब्रॉडकास्टिंग बाय इम्प्लॉइंग पॉपुलर पब्लिक फिगर्स, यानि कि जो हमारे पब्लिक के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं जैसे कि फिल्म स्टार्स, टू एनकरेज उनका उनको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, टू एनकरेज एन ओपन माइंडेड अप्रोच, यानि कि लोगों की सोच में जो खुलापन लाने के लिए चेंज चैलेंज एज ओल्ड बिलीफ्स, या फिर जो हमारे रूढ़िवादी जो विश्वास होते हैं उनको चैलेंज करने के लिए, दूर करने के लिए, एंड ब्रिंग अबाउट एटीट्यूडनल चेंज, या फिर जो हमारे व्यवहारिक परिवर्तनों को बदलने के लिए उनको फिल्म स्टार्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अ सक्सेस एग्जाम्पल, इसका एक सफल उदाहरण है, इज दैट द पोलियो ड्राइव वेयर द एडवर्टाइजमेंट फीचर्ड रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज, जहाँ पर जो
एडवर्टाइजमेंट है। हमारे सम्मानित जो व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर एंड अमिताभ बच्चन, उनके द्वारा वो एडवर्टाइजमेंट दी जाती हैं। व्हेन दीज नोटेड पर्सनैलिटीज अर्ज्ड इनोक्यूलेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो, इट मीन्स जो बच्चों के व्हेन जब ये नोटेड जो पर्सनैलिटीज हैं यानी कि जो सम्मानित व्यक्ति हैं वो बच्चों को पोलियो के टीकाकरण के लिए अर्ज करते हैं, आग्रह करते हैं। पीपल टर्नड अप इन लार्ज नंबर्स, तो इससे जो लोग हैं वो एक बड़ी संख्या में टर्नड अप होते हैं यानी कि उससे प्रभावित, तो एक काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उसकी तरफ टर्न अप होते हैं। स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्ध धारणा, वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्रेजुडिस इज द क्रिएशन ऑफ स्टीरियोटाइप, जो पक्षपात है उसके द्वारा उत्पन्न की गई सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारी रूढ़िबद्ध धारणा। व्हेन वी फिट ऑल पर्संस ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप इन टू वन फिक्स्ड इमेज, जब हम किसी विशेष ग्रुप के लोगों के प्रति एक धारणा को फिक्स कर लेते हैं, एक विचार बना लेते हैं विच मे बी इमेजिन्ड और ऑब्जर्व्ड, या तो वो काल्पनिक होते या फिर ऑब्जर्व करने से बनता है। वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप, तो हाँ उससे क्या होती है, हमारी एक धारणा बन जाती है, रूढ़िबद्ध धारणा। स्टीरियोटाइप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो रूढ़िबद्ध धारणा है वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। हाउएवर मोस्ट स्टीरियोटाइप मेक अस फील सुपीरियर टू द स्टीरियोटाइप पर्सन और ग्रुप, और जो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं वो किसी पर्सन या फिर ग्रुप को सुपीरियर यानि कि अपने आप को उच्च दर्जे का मानते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड पीपल से द फॉलोइंग, आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स और फिक्सिंग थिंग्स, कि गर्ल्स यानि कि लड़कियां मैथ और वस्तुओं के फिक्सिंग में अच्छी नहीं होती, और बॉयज़ डोंट क्राई, और लड़कों को रोना नहीं चाहिए, और बॉयज़ आर नोटी एंड गर्ल्स आर जेंटल, जो लड़के हैं वो शरारती होते हैं और लड़कियाँ नम्र होती हैं। ऑल दीज आर स्टीरियोटाइप, ये सब हमारे क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है। दे आर नाइदर ट्रू फॉर ऑल बॉयज़ नॉर फॉर ऑल गर्ल्स, ये ना ही किसी, ये जो धारणा है ना तो लड़कों के बारे में सही और ना ही लड़कियों के बारे में। बट दे रोंगली फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन टू वन इमेज, लेकिन ये गलत तरीके से लोगों की जो धारणा है वो गलत तरीके से फिट की जाती है बड़े स्तर पर। दे डू नॉट रिकोगनाइज दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एंड हैज स्पेशल क्वालिटीज, वो ये नहीं जानते कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो अपने आप में अनोखा होता है और उसमें विशेष गुण होते हैं। समटाइम्स कभी कभी स्टीरियोटाइप्स आर क्रिएटेड अबाउट दोज हु बिलोंग टू ए पर्टिकुलर रीजन रिलीजन रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कभी कभी जो किसी विशेष क्षेत्र धर्म नस्ल या फिर आर्थिक जो हमारी बैकग्राउंड होती है उससे रिलेटेड लोग हैं वो रूढ़िबद्ध धारणा क्रिएट कर लेते हैं। पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज आर स्टूपिड, वो सोचते हैं कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है जिन पर्सन्स में वो स्टूपिड होते हैं। और पीपल ऑफ ए पार्टिकुलर कास्ट और सेक्ट आर माइजर, या फिर किसी विशेष जाति या समुदाय के लोग माइजर मीन्स होते कंजूस होते हैं। आर सम एग्जाम्पल, इसके ये कुछ एग्जाम्पल है, सच स्टीरियोटाइप हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स, और जो ये धारणा है वो दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करती हैं एंड कैन रिजल्ट इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या फिर हमारी गलतफहमी का परिणाम होती है एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स, और इससे जो विभिन्न हमारे समुदाय हैं या फिर ग्रुप हैं उनके बीच में झगड़े का कारण बन जाती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, यह याद करना जरूरी है, दैट और इन ऑल इंडिविजुअल्स
एंड सोशल ग्रुप्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग, कि एक ही थिंग को या एक ही कार्य को करने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है. वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें यह समझना चाहिए. एंड रिस्पेक्ट वन अनदर, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए. एज वेल एज बी सेंसिटिव टूवर्ड्स ईच अदर, और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन इज अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजुडाइज, यानी कि पक्षपात के आधार पर किसी पर्सन या फिर किसी समुदाय के लोगों के प्रति अनफेयर ट्रीटमेंट यानी कि अनुचित व्यवहार करना ही क्या है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव है. डिस्क्रिमिनेशन अराइज व्हेन, यह तब उत्पन्न होता है व्हेन देयर इज डिफरेंटिएशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, रेस, रिलीजन, कास्ट, कलर एंड जेंडर विदाउट रिगार्ड टू इंडिविजुअल मेरिट, कि उनकी बिना जो व्यक्तिगत गुण है उनको देखे बिना हम किसी क्लास, रेस, किसी वर्ग, नस्ल, धर्म, जाति, रंग या फिर लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं. राइजिंग आउट ऑफ डाइवर्सिटी या विविधता से उत्पन्न होता है पक्षपात एंड लैक ऑफ फीलिंग ऑफ इक्वेलिटी अमंग पीपल टू कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, या फिर इसके अलावा जो लोगों में जो भेदभाव सॉरी अनेक लैक ऑफ यानी कि समानता की जो समानता की कमी को महसूस करना लोगों के बीच में, वो भी भेदभाव को लीड करता, बढ़ावा देता है. डाइवर्सिटी इफ नॉट अंडरस्टूड एंड अप्रिसिएटेड, यदि हम डाइवर्सिटी को समझ नहीं पाते और ना ही उसको महत्व देते, कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इससे हमें गलतफहमी होती है. एंड बिकेम ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और हम भी जो भेदभाव होता है उसका एक साधन बन जाते हैं. इनइक्वलिटी इज अ कंडीशन ऑफ बींग अनइक्वल विच अराइज फ्रॉम अनइक्वल स्टेटस और अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज. असमानता इज अ कंडीशन ऑफ बींग अनइक्वल, असमानता की यह वो स्थिति है विच अराइज जो पैदा होती है फ्रॉम अनइक्वल स्टेटस असमान स्थिति से और अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज, या फिर जो हमारे रिसोर्सेज या संसाधनों के या अवसरों के असमान जो पहुंच होती है उससे भी उत्पन्न होती है. देयर कैन बी सोशल अनइक्वलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ रिजिड कास्ट सिस्टम, रिजिड ऑफ जो हमारी कठोर जाति व्यवस्था होती है उससे भी असमानताएं समाज में उत्पन्न होती है. देयर कैन बी इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और इसके अलावा जो आर्थिक असमानता है वो किसके कारण होती है, हमारे आय के या फिर धन के असमान वितरण के कारण भी आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है.